हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद आलम आप सभी का नौशाद आलम क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार डे बाय डे मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस ले रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए डेली पर डे और डेली एक वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लेक्चर कवर हो रहे हैं। हम लोग फिजिक्स में जहाँ तक पढ़ रहे हैं आपको विद्युत धारा, वहीं हम लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन को स्टार्ट किए हैं और आज इंटीग्रेशन का 7वां लेक्चर है। पिछले क्लासेस में हमने आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे समाकलन करते हैं वो बताया था, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में हमने पिछले क्लासेस में अलजेब्रिक वाले क्वेश्चन को देखे थे और आज हमारे पास टाइप सेकंड है मेरे पास। पिछले वाले क्लास में हमने टाइप फर्स्ट को देखा था जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया था। हम लोग एक एक करके टाइप बाय टाइप क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करते चलेंगे, ठीक है। और आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए गए थे NCERT वाले 7.1, वो आपने क्लियर कर लिया है। बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया कि हमने इसको क्लियर कर लिया, फाइनल कर लिया। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, ठीक है। और इसमें जो टफ क्वेश्चन होंगे हम एक दिन समय लेकर उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं टाइप सेकंड। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखे गए हैं, देखिएगा जरा सा। टाइप सेकंड में क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर कोई समाकलन का फॉर्म, ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्म इस टाइप से दिया हो, साइन का पावर mx या कॉस का पावर nx, इस टाइप से दिया हो। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन हम अगर यहाँ लिख दें, क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन हम लिख सकते हैं आपको साइन का पावर 4x इंटू कॉस qx dx। एक क्वेश्चन हमने सिंपल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे m जिस किसको डिनोट कर रहा है, m बता रहा है साइन के पावर को बता रहा है, यानी साइन का जो घात है वो m को बता रहा है और कॉस का जो घात है वो n को बता रहा है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे चार कंडीशंस लिखे गए हैं और इसको क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इस कंडीशन का अप्लाई हमको करना पड़ता है, ठीक है। देखिएगा, टाइप फर्स्ट आपका कंडीशन फर्स्ट यह लिखा है शर्तें, ठीक है। क्या लिखा है, यदि घात m एक विषम धनात्मक पूर्णांक हो। कहने का मतलब क्या है कि यदि साइन का जो घात है वो क्या हो, विषम हो, जैसे ऑड पावर हो। ऑड पावर मतलब आपको हो गया 1, हो गया 3, हो गया 5, ऐसे करके अगर पावर दिया हो साइन वाले में, तो नीचे में लिखा हुआ है कि पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कॉस एक्स बराबर टी मान लेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन का जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी मान लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आएंगे हम एक एक करके सारे कंडीशन से, यानी चारों जो हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, चारों पॉइंट से एक एक क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा कंडीशन है यदि एन एक क्या है, धनात्मक, एन एक विषम धनात्मक पूर्णांक हो। यदि एन जो है, जो कॉस का जो पावर है एन, वो अगर क्या हुआ, विषम हुआ, तो किसको टी मानेंगे, हम साइन एक्स को टी मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, वही दूसरा तीसरा कंडीशन है यदि m और n दोनों क्या है, विषम है। अब क्या हो गया कि इसका भी पावर विषम और इसका भी पावर विषम, दोनों का पावर अगर विषम आ गया तो क्या करना होगा, दोनों में से किसी को t मान लो, साइन एक्स को मान लो तो या फिर कॉस एक्स को मान लो तो, किसी को मान लेंगे, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ कंडीशन दिया हुआ है यदि m और n के घातों का योग क्या हो, ऋणात्मक हो। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि m और n का घात हम लोग जोड़ रहे हैं और वो आ गया ऋणात्मक। अब ये ऐसी स्थिति कब बनेगी, ऐसी स्थिति तब बनेगी जब होगा कि आपको कि ये कंडीशन कुछ इस टाइप से दिया हो, ठीक है, नीचे में कुछ बट्टा टाइप का दिया हो और पावर ऐड करने पे क्या हो रहा है, ऋणात्मक आ रहा हो। तो कहने का मतलब क्या है, बेसिकली क्वेश्चन आएगा उससे उससे रिलेटेड देखेंगे, तो m और n के घातों का योग यदि ऋणात्मक आता है जोड़ने पे, तो वहां पे ना साइन एक्स को टी मानना है और ना ही कॉस एक्स को टी मानना है, हम वहां पे मानेंगे किसको, टेन एक्स को टी। और इसको याद रखना, ये चारों कंडीशन याद रखेंगे तभी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन पाएंगे। तो पहले आप इस कंडीशन को नोट कर लें और यहाँ सब जरा कोने में देख लेंगे, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड हैं और इनका इसमें इस्तेमाल भरपूर होने जा रहा है, इसीलिए हमने इसको लिख लिया है। जिनको ये याद नहीं है वो कृपया करके याद कर लेंगे, ठीक है, और फॉर्मूले को नोट कर लें। साइन स्क्वायर एक्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, 1 - cos 2x / 2, कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 + cos 2x / 2, साइन क्यू एक्स होता है 3 sin x - sin 3x / 4, कॉस क्यू एक्स होता है 3 cos x + cos 3x / 4, और साइन 2x, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 sin x - cos x, और बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले आप इसे नोट करें, फिर हम लोग क्वेश्चन बाई क्वेश्चन देखते हैं, कंडीशन वाला क्वेश्चन एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है।
तो उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको रफ करते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे क्वेश्चन। तो आपके सामने बोर्ड पे टाइप वन जो हमने शर्त वन लिखा था, शर्त वन से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है ना। शर्त वन में हमने क्या बताया कि यदि पावर m जो है यानी m का जो घात है m क्या हो ऑड हो, ठीक है, m हमारे पास क्या हो आपका ऑड हो, ठीक है। तो ऑड होगा, अगर m ऑड होगा तो किसको t मानेंगे, cos x को t मानेंगे। चलिए मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, cos x इक्वल टू क्या माना, t माना, हमने मान लिया cos x को t मान लिया, प्रतिस्थापन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और cos x को t माना कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो इसके बाद कंडीशन क्या होता है, हमको डिफरेंशिएशन करना होता है। प्रतिस्थापन में सबसे पहले क्या है, रूल है कि पहले कुछ मानते हैं तो उसको पहले क्या करें, डिफरेंशिएट करें। तो मान लिए अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो cos x का डिफरेंशिएशन पता है आपको क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन एक्स। उसके बाद में t का डिफरेंशिएशन करना है तो t का क्या होगा, dt टी अपॉन dx हमारा हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो बताइए जरा सा, अगर हमको dx का मान निकालना हो तो तिरछा करना पड़ेगा हमको गुना, तो बेसिकली क्या बनेगा हमारा, dx into साइन एक्स और अभी किसमें माइनस में इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास dt। हमको मान निकालना है किसका, dx का, तो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dt अपॉन माइनस में क्या साइन एक्स, dt अपॉन माइनस साइन एक्स। हम इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी टोटल का टोटल हमारे पास वैल्यू जो क्या है वो निगेटिव है। तो हमने dx का मान निकाल लिया आपको dt अपॉन कितना माइनस साइन एक्स, इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, चलेंगे आगे। देखिएगा साइन क्यू एक्स है, ठीक, तो साइन क्यू एक्स को क्या लिखा जा सकता है, जरा समझे इस चीज को, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, साइन क्यू एक्स होता है, और कॉस एक्स को क्या माना है, कॉस एक्स को टी माना है, तो अगर स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर हमारा बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और हमने करा इसको साइन क्यू एक्स को साइन एक्स, और cos स्क्वायर x के जगह क्या लिखे, t स्क्वायर, ठीक है। dx के जगह क्या लिखना होगा, dx के जगह लिखेंगे माइनस में dt अपॉन कितना sin x, तो ये बनेगा माइनस dt अपॉन कितना, ये आपका बन जाएगा sin x, चलेगा। sin qx को sin स्क्वायर x into sin x, cos x को t माना था तो यहां पे लगा दिया t स्क्वायर, क्लियर करके समझते चलेंगे। dx का वैल्यू हम निकाल चुके हैं dt अपॉन sin x, यहां पे लिख दिया dt अपॉन sin x, चलेगा। यहां आप देख सकते हैं एक साइन एक्स से एक साइन एक्स हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। अच्छा आगे देखिए, साइन स्क्वायर एक्स, अब साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स को कॉस के फॉर्म में हम लोग लिखना जानते हैं क्योंकि हम लोग कॉस एक्स को टी माने हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिखा जा सकता है, चलेगा। अच्छा ये माइनस है तो माइनस को हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, हमने माइनस को बाहर निकाल लिया, बाहर में क्या बचा हुआ है, टी स्क्वायर बचा है, और साथ में क्या बचा है, dt हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, वन का वन रहेगा, माइनस cos x को क्या माना है, शुरू में t माना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमारा ब्रैकेट गिरा है, और t स्क्वायर का t स्क्वायर, और ये dt का dt, t स्क्वायर कौन सा था, ये वाला, इसको हमने cos x को t माना हुआ है शुरू में, तो हमने cos x से t अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा क्लियर है, चलेंगे आगे। अब इसका टी स्क्वायर का करते हैं इसमें गुना, तो क्या बनेगा, ये माइनस हमारे पास बाहर ही रहेगा, टी स्क्वायर इंटू वन कितना बनेगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर कितना बनेगा टी का पावर फोर, और ये हमारा डी टी का डी टी, ठीक। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, टी स्क्वायर घात कितना है, दो है, तो घात क्या होता है, बढ़ता है, और नीचे भी एक जुट जाता है, तो ये बनेगा आपको टी का पावर थ्री, और नीचे में कितना थ्री, माइनस है तो माइनस, टी का पावर फोर है तो क्या बनेगा टी का पावर फाइव अपॉन कितना फाइव, और ये हमारे पास ब्रैकेट में है, और बाहर में शुरू में माइनस है तो बाहर में माइनस रहेगा, ठीक है, और प्लस क्या लगा देंगे सी हम ऐड कर देंगे। अब टी को क्या माना था, शुरू में टी को माना था कॉस एक्स, अब जहां जहां टी है वहां पे क्या लगा देंगे, कॉस एक्स को लेके चले जाएंगे, आंसर क्या बनेगा, माइनस टाइम्स कॉस क्यू एक्स अपॉन थ्री माइनस कॉस का पावर 5x अपॉन 5 और प्लस कितना c, और ये आपका चलाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है
टाइप सेकेंड वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, टाइप सेकेंड में जिसमें हमारा ये फॉर्म दिया हो साइन का पावर एम एक्स और कॉस का पावर एन एक्स, इसमें फर्स्ट केस क्या था कि यदि साइन का घात क्या हो विषम हो, तो साइन का घात अगर विषम हो तो किसको टी मानते हैं, कॉसेस को। दूसरा कंडीशन होता है डिफरेंशिएशन करना, तो डिफरेंशिएशन करा किसका मान निकाला डीएक्स का, और इसमें क्वेश्चन में हमने क्या करा अप्लाई कर दिया। आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते हुए आराम से समझेंगे और आराम से क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोटबुक में लिखेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आप इसे नोट करें फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम इसको रफ करते हैं ठीक है, फिर देखेंगे क्वेश्चन सेकंड ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है ठीक है, टाइप टू हमने जो पॉइंट नंबर सेकंड लिखाया था उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, जहाँ पे क्या है कॉस का जो पावर है ठीक है, वो कॉस का पावर क्या है एन का मान जो है वो क्या है ऑड है, यानी वो इवन आपका ऑड है यानी विषम पूर्णांक है ठीक है। तो इसमें मानेंगे क्या हम लोग, क्या मानेंगे साइन एक्स को टी मानेंगे ठीक है। अब साइन एक्स को टी कैसे मानेंगे है ना, तो ये वाला सोचने वाला चीज है कि साइन एक्स को टी हम लोग कैसे माने, देखते हैं जरा सा। अगर साइन एक्स को टी मानेंगे यहाँ पे तो कैसे सेट होगा, कॉस क्यू एक्स है ना, क्या है हमारे पास कॉस क्यू एक्स है, चलेगा ठीक है। तो साइन एक्स को मान लेते हैं हम, क्या यहाँ पे टी मान लेते हैं, देखेंगे क्या होता है कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया हमको कुछ दिख नहीं रहा है, हमने साइन एक्स को टी मान लिया, क्यों कंडीशन के हिसाब से, एन हमारे पास ऑड था उसके हिसाब से हमने साइन एक्स को टी मान लिया। चलेंगे डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा इक्वल टू डी टी, टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स हमारा आ जाएगा। dx का वैल्यू कितना निकल के आएगा, इसको गुना करना पड़ेगा, तो dx का जो मान आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा dt अपॉन क्या cos x ठीक है। आप समझ सकते हैं इसको गुना करेंगे ना dx इंटू क्या होगा cos x होगा और dt अकेले रहेगा, यहाँ से हम अगर dx को साइड करें तो cos x कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ पे हमारे पास cos qx है तो लिख देते हैं cos qx, और dx के जगह पे हमको क्या लिखना है ये वाला चीज लिखना है यानी dt अपॉन cos x लिखना है, तो हम यहाँ पे dx के जगह लिख देते हैं dt अपॉन क्या cos x। आप देख सकते हैं यहाँ पे cos qx और नीचे में क्या cos x, एक cos x से एक और cos x कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा आपका आगे, यहाँ पे आपको बच जाएगा सिंपल cos स्क्वायर x और इंटू क्या बचेगा dt बचेगा cos स्क्वायर x और dt। अब यहाँ t में हमको क्या करना है इंटीग्रेट करना है, लेकिन ये वाला चीज किस में है x में, तो इसको भी किस में बदलना पड़ेगा हमको t में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, cos का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है सूत्र हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर x, जानते हैं cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर x, बहुत पुराना फॉर्मूला है ये, हमारे पास आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x चलेगा, और ये क्या हो जाएगा dt का dt। नेक्स्ट क्या बनेगा, वन का वन माइनस, शुरू में ही साइन एक्स को माना है हमने टी, तो यहाँ पे अब इसको टी को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा टी स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा डी टी। अब हमारे पास पूरा फंक्शन जो है पूरा सिस्टम जो है वो किस में आ चुका है टी में चला आया है। अब डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, क्या बनेगा वन का डिफरेंशिएशन, बताया थे कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन, या तो अगर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी, तो यहाँ वन के साथ क्या आ जाएगा टी आ जाएगा माइनस टी के टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी क्यू अपॉन थ्री, अब प्लस कितना हो जाएगा सी। फाइनल आंसर कैसे बनेगा, टी के जगह पे किसको पुट करेंगे साइन एक्स को, तो आंसर जो बनेगा वो हमारा बनेगा साइन एक्स माइनस साइन क्यू एक्स अपॉन थ्री, अब प्लस कितना हो जाएगा सी, और ये बन जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर, और ये रहा हमारे पास पॉइंट नंबर सेकेंड से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, क्लियर है जी, चलिए तो इसको हम अब रफ करते हैं ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा, और देखेंगे और शर्त तीन से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। तो देखते हैं टाइप और शर्त तीन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन क्या था, कंडीशन यदि m और साथ में क्या n दोनों क्या हो ऑड हो, m और n जो हमारा घात है दोनों क्या हो ऑड हो, तो अगर दोनों ऑड हो तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, किसी को मान लेते हैं टी, साइन एक्स को भी टी मान सकते हैं और किसको मान सकते हैं कॉस एक्स को भी हम लोग टी मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं किसको मान लिया जाए, चलिए हम मान लेते हैं कुछ भी, हम यहाँ पे जो सबसे बड़ा पावर दिख रहा है उसी को टी मान लेते हैं, हमको सेट करने में आसानी होगी, तो हम क्या करते हैं ना कॉस एक्स को टी मान लेते हैं, चलिएगा तो हमने माना कॉस एक्स इक्वल टू टी ठीक है। तो कॉस एक्स को अगर टी मानेंगे तो डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू
और माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन क्या होगा डी एक्स हो जाएगा। हमको क्या निकालना है डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या निकल के चला आएगा डी टी हमारे पास ऊपर और साइन एक्स कहाँ आ जाएगा नीचे में चला आएगा। किसका वैल्यू आ गया हमारे पास डी एक्स का वैल्यू निकल के चला आएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है यहाँ पे साइन क्यू एक्स, तो लिख देते हैं पहले साइन क्यू एक्स। साइन क्यू एक्स कॉस का पावर सेवन है, कॉस एक्स को क्या माना टी, पावर कितना सेवन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी का पावर सेवन। ठीक है, ये टी का पावर सेवन, डी एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे माइनस का डी टी अपॉन क्या साइन एक्स, माइनस का डी टी अपॉन साइन एक्स। माइनस नीचे लिखे ऊपर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन क्यू एक्स में से एक साइन एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं हम क्या करते हैं माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस हमारे पास आ गया बाहर, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग लिख सकते हैं, और साथ में क्या है टी का पावर सेवन और क्या हो जाएगा डी टी का डी टी। ठीक है, क्या करा साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, बचा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को कॉस के रूप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। टी का पावर सेवन किसके लिए था, कॉस का पावर सेवन के लिए, और डी टी हमारे पास डी टी है, और माइनस हमने क्या करा बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट क्या बनेगा, अब कॉस एक्स के जगह क्या पुट कर देंगे, जो हमने माना है टी माना है, तो हम यहाँ पे कॉस एक्स के जगह टी पुट कर देंगे, माइनस हमारे पास बाहर में ही रहेगा, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पुट करते हैं वन माइनस टी स्क्वायर और गुना में क्या रहेगा टी का पावर सेवन और साथ में क्या डी टी। ठीक है, चलेगा, माइनस है तो माइनस, अब इस टी का पावर सेवन का गुना करते हैं, तो वन से गुना करेंगे कितना होगा टी का पावर सेवन, माइनस है तो माइनस, टी का पावर सेवन इंटू टी का पावर टू, सात और दो कितना हो जाएगा नौ, ये हो जाएगा टी का पावर नाइन, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास डी टी चला आएगा। अब बहुत ही सिंपल हो गया, डिफरेंट इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, टी का पावर सेवन का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी का पावर कितना एट अपॉन नीचे में भी एट, और इसको ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस हमारे पास बाहर है, टी का पावर नाइन का कितना हो जाएगा टी का पावर टेन अपॉन कितना टेन, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं माइनस को हम लोग सेट कर लेते हैं और इसमें टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारा माइनस प्लस क्या बनेगा माइनस बनेगा, माइनस प्लस बनेगा हमारा माइनस, और टी के जगह पे क्या रखना है कॉस एक्स रखना है, तो ये बनेगा क्या आपको कॉस का पावर एट एक्स और नीचे में कितना एट, माइनस माइनस प्लस, टी के जगह पे क्या रखेंगे कॉस एक्स रखेंगे, तो ये बनेगा कॉस का पावर दस एक्स नीचे में कितना दस और प्लस क्या हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये रहा हमारे पास कौन सा टाइप, कब जब m और n जो हो दोनों क्या हो विषम हो, तो अगर m और n दोनों विषम हो तो आप ध्यान देंगे कि जो बड़ा पावर होगा जनरली उसी को t मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, तो आप इसे फाइनल नोट कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है, तो पहले इसे नोट करें फिर हम इसको रफ करते हैं, तो इसे रफ करते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और फिर करेंगे हम लोग और वीडियो का समापन। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या था हमारे पास कि यदि m और n के घातों का योग क्या हो ऋणात्मक संपूर्णांक, उसमें पॉइंट नंबर 4 में आप ऐड कर लेंगे ऋणात्मक संपूर्णांक। ठीक है, सिर्फ ऋणात्मक नहीं ऋणात्मक संपूर्णांक, यानी m और n जो घात होगा उनका योग जो होना चाहिए क्या होना चाहिए ऋणात्मक संपूर्णांक होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं हमारे पास पावर है माइनस वन और मान लेते हैं माइनस थ्री और इन दोनों को ऐड करते तो क्या होगा माइनस फोर होगा, जो कि ये क्या कहलाएगा ऋणात्मक संपूर्णांक कहलाएगा। यहाँ अगर देखें तो क्या होगा, अगर साइन एक्स को हम ऊपर लेके जाते हैं तो साइन एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा साइन का इनवर्स बनेगा साइन का पावर माइनस वन। ठीक है, साइन का पावर माइनस वन, तो अगर साइन का पावर माइनस वन बना तो ये माइनस वन। ठीक है, कॉस को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होगा ये बनेगा कॉस का पावर माइनस थ्री, तो कॉस का पावर माइनस थ्री ऐड करें तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री, और ये टोटल बन जाएगा कितना माइनस फोर। हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे नहीं, यहीं पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमको बस इमेजिन करना होगा देखना होगा समझना होगा कि क्या पावर निगेटिव तो नहीं बन रहा, और निगेटिव बन भी रहा है तो क्या वो धनात्मक बन रहा है और ऋणात्मक विषम पूर्णांक बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास पावर माइनस चार बन रहा है, तो क्या करना होगा केस क्या था हमारे पास, हमको क्या मानना है tan x को मानना है t, tan x इक्वल टू हमको क्या मान लेना है t मान लेना है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन जानते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास sec
स्क्वायर एक्स, ठीक है, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स चलेगा। अच्छा डी एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो डी एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स आपके पास चला आएगा। क्लियर है, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास dx, अब dx का वैल्यू पुट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, dx का वैल्यू dt अपॉन sec square x हमको पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा आपको dt अपॉन कितना sec square x चलेगा। sin x है तो sin x को लिखे रहेंगे, sin x हमारे पास रहेगा, ठीक है, और क्या cos qx है तो cos qx को भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं cos square x और इंटू हम अलग अलग कर देते हैं और एक cos x लिख देते हैं, ठीक है, cos square x और हमने क्या लिख दिया cos x, ये हो जाएगा cos qx। sec square x क्या था, और dx का वैल्यू हमने लिखा है dx का dt अपॉन और sec square x वो हमारे पास है, sin x था तो sin x हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा अब क्या है, यहां देखिए जरा सा sec x क्या होता है, sec x जो होता है 1 by cos होता है, होता है sec x जो होता है हमारे पास 1 by cos होता है, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि sec x into cos x तो वैल्यू कितना बनेगा, ये होता है हमारे पास 1 by cos x और ये हमारे पास cos x है ही, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 हमारे पास हो जाएगा, तो वही अगर देखा जाए तो यहाँ पे sec square x है और यहाँ पे cos square x है, अगर ये दोनों अगर सेम है तो ये कट के दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1। क्लियर है, इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना 1 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है हमारे पास sec square x और cos square x कट के कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। अब बचा है sin x और cos x, तो sin x ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा cos x बनेगा और ये क्या बनेगा sec बनेगा, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, ये बना ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा cosec x और ये बन जाएगा हमारे पास ऊपर sec x, ठीक है, और ये dt का dt हमारे पास रह जाएगा। अब मामला हमारे पास क्या होगा, सेट करना पड़ेगा, कैसे सेट करेंगे, अब ये चीज t में है, ये sec x है cosec x है, हमने माना है शुरू में tan x, पुट भी नहीं कर सकते हैं, मामला बहुत टफ होने जा रहा है, तो एक चीज जरा देखेंगे, ठीक है, पहले हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे साइड पे मिटाते हैं, ठीक, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन को क्लियर, ठीक। चलिए तो अब हमको आना पड़ेगा स्टार्टिंग में हमने tan x को t माना है, तो यहाँ जरा कोने में समझ लेंगे, हम आते हैं बहुत से बेसिक वाले फॉर्म में, आप लंब कर्ण आधार वाला सिस्टम पढ़ चुके हैं, tan x को हमने क्या माना है t माना है, तो tan x को अगर t माना है तो जरा बताइए tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो ये आपका हो जाएगा हमारे पास t अपॉन 1, क्योंकि t के बटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो हमने tan x को लिख लिया। हम क्या निकाल सकते हैं, कर्ण का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कर्ण क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस कितना 1 बनेगा। अब इसी को हम क्वेश्चन में सेट कर देते हैं, कैसे सेट होगा देखिएगा जरा सा, ये हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स, इसके हिसाब से अगर कॉसेक की बात करें तो कॉसेक क्या होता है कर्ण अपॉन लंब होता है, कर्ण बटा लंब, तो क्या लिख सकते हैं हम रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में क्या हो जाएगा टी इंटू sec x है, तो sec x होता है क्या होता है कर्ण अपॉन आधार, यानी कर्ण बटा आधार को बोलते हैं sec x, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में क्या आपका 1 हमारे पास हो जाएगा, और dt है तो dt, अब पूरा सिस्टम हमारे पास किस में दिख रहा है t में दिख रहा है। अब एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे टी स्क्वायर और रूट में प्लस 1 और यहाँ भी रूट में प्लस 1, रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ केवल टी स्क्वायर और प्लस 1 और नीचे में क्या बचेगा एक हमारे पास t बच जाएगा और साथ में क्या dt हमारे पास रहेगा। अब ये t क्या है भाग में है, तो एक काम कर सकते हैं हम इसमें भाग लगा सकते हैं, तो भाग लगा देते हैं और कैसे देखिएगा जरा सा, पार्ट वाइज कर देते हैं t स्क्वायर अपॉन t और क्या dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t और क्या हो जाएगा dt हमारे पास हो जाएगा। यहां तो कोई क्लियर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, cosec x को हमने सेट करने के लिए क्या करा, शुरू में माना था tan x क्योंकि हमको उसी से चलना है, tan x को हमने लंब अपॉन आधार कर दिया, कर्ण निकाल लिया रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1, cosec x लिखना था तो cosec होता है लंब अपॉन सॉरी कर्ण अपॉन लंब, तो ये हमारा कर्ण अपॉन लंब हो गया, ठीक। sec x लिखना था तो कर्ण अपॉन क्या होता है आधार होता है, तो ये कर्ण अपॉन आधार हो गया, ठीक।
अच्छा रूट से रूट खत्म, अंदर वाला चीज हमारे पास बच गया है, टी का भाग लगाना, हमने पार्ट वाइज भाग लगा दिया। नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या होता है, टी से भाग लगाएंगे तो यहाँ से टी से हमारा एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ एक टी बच जाएगा और क्या बचेगा, डी टी हमारे पास बचेगा, वन बाई टी, इसको रहने देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी और डी टी, ठीक है। अच्छा टी है, पावर कितना है, वन है, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पावर टू, यानी ये बन जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन बाई टी। अब पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है, ठीक है ना, वन बाई एक्स डी एक्स क्या होता है हमारे पास, लॉग एक्स होता है, तो ये वन बाई टी है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग टी या प्लस क्या हो जाएगा, सी, क्लियर है, ये हमारे पास हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, टेन एक्स माना था, अब उसी चीज को यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो आंसर क्या बनेगा, टेन टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस लॉग टेन एक्स और प्लस कितना हो जाएगा, इसको हम मोड में लिख देते हैं, और प्लस कितना हो जाएगा सी, और ये बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझते हुए क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, और पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट करते हैं, फिर हम लोग करते हैं वीडियो का समापन। तो क्या करें, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम स्पेस देते हैं, पहले आप इसे नोट कर लें और फिर क्लियर करते हैं हम, और फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इसे नोट करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है, जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा होगा आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं तो आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं वीडियो में कमेंट करके, ठीक है। देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर जिनको इंटरेस्ट आ रहा है वो या तो कमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में आ रहा हो बहुत क्लियरली रूप से क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर जिनको डाउट हो और जो लोग मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग मुझसे ऑफलाइन क्लासेस सामने से क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, एजुकेशन पार्क हमारे संस्थान का नाम है, ठीक है, एजुकेशन पार्क बनियापुर, एजुकेशन पार्क बनियापुर में आप ऑनलाइन क्लास में आप सॉरी ऑफलाइन क्लास में आप मुझसे जुड़ सकते हैं और क्लास का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो आप मेरे नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की ऑफलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, और ये क्लास जो ऑनलाइन क्लास चल रही है ये लगातार आपको मिलते रहेगा, चाहे ऑफलाइन क्लास चले या ना चले, लेकिन ऑनलाइन क्लास आपको लगातार मिलते रहेगा हर चैप्टर का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।